मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स नमस्कार वंस अगेन। तो हम सब निकल रहा है ईटानगर की ओर, वहाँ पे 5 डेज का स्टेट लेवल रनिंग चल रहा है BPS का ऊपर में। तो उसको अटेंड करने के लिए हम लोग अंजाव से 5 टीचर्स जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये BPS ट्रेनिंग जो है हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, वहाँ से सीख के हम लोग कुछ अपना बच्चों को दे सकेंगे। ये उम्मीद के साथ हम लोग अभी निकल रहे हैं ईटानगर। तो आप लोगों को मैं ये दिखाने का कोशिश करूँगा कि हम लोग ईटानगर में ट्रेनिंग में क्या क्या सीख के आया है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, वो सब चीज़ आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो तब तक मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहना, मेरे वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप सब हम लोग का ट्रेनिंग के बारे में भी जान सके ना। तो आप देखते रहना मेरा वीडियो पर। ये है बोगीबिल ब्रिज, बहुत ही लंबा है। इसी समय हम लोग सुबनसिरी एरिया में पहुंच गए हैं। हम लोग यहाँ पे नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, इसके बाद फिर से निकलेंगे आगे ईटानगर की ओर। ये लोग रहा मेरा पटना लोग, ये सब लोग यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने वाला है अभी। तो जस्ट हम लोग कंप्लीट किया है आसाम एरिया, तो हम लोग ईटानगर की तरफ निकल चुका है अभी। ये 4 वे है ईटानगर की तरफ जाता है। सबसे पहले हम लोग अभी नाहरलगुन पहुँचेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम ईटानगर की ओर जाएंगे। अभी हम ईटानगर पहुँच चुका है, तो आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ जो बिल्डिंग है वो अरुणाचल का स्टेट असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ से हम लोग का कानून बनता है। तो ये है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर फ्रॉम आवर हॉस्टल बाय बस टू अटेंड फर्स्ट डे ट्रेनिंग ऑफ BPS। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्रेनिंग जो है हम लोग के लिए बहुत ही एंटरटेन होगा, बहुत ही मस्ती होगा, बहुत ही यादगार ट्रेनिंग होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी हमारा ट्रेनिंग सेंटर पहुंच चुका है, तो मैं आप लोग को ट्रेनिंग सेंटर दिखाता हूं कहां में हम लोग ट्रेनिंग लेने वाला है। तो ये है जगह, दोर्जी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर है। इसी जगह में हम लोग 5 दिन ट्रेनिंग करने वाला है। ये है ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है। तो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने का साथ साथ मैडम लोग सर लोग सब फोटो लेने में बिजी हो गया, फोटो ले रहे। मैं भी घूम रहा हूं सब जगह देखने के लिए। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं DK कन्वेंशन सेंटर का मेन ऑडिटोरियम, इसका अंदर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। तो मेरा वीडियो पर देखते रहना, ये ऑडिटोरियम जो है कैसा है ना, आप लोग देखिए। अंदर ले जाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे गुटखा तंबाकू इस रिस्ट्रिक्टेड लिखा इन दिस हॉल। ये देखिए, ये है ऑडिटोरियम जो DK कन्वेंशन सेंटर का, बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारा आदमी बैठ सकता है, यहाँ पे कल्चरल शो होता है। यहाँ पे शायद अरुणाचल आइडल भी यहाँ पे आयोजित किया जाता है शायद, ये सब जगह में ना। तो ये बहुत ही बड़ा जगह है जहाँ पे 1000 आदमी बैठ सकता है। मीटिंग हॉल काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे देख सकता है।
कौशिक सर बात करते हुए, अभी हम लोग लंच ले रहे हैं। हर एक दिन 1 बजे हम लोग का लंच होता है, मीटिंग करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद ना। आप लोग कल कहाँ में देता था वहाँ में दे दे होगा, हम लोग जो ये इसको ना आप लोग चेंज कर। We are responsible. Now mental health is the leading health problem globally affecting. Address myself, introduce myself as a teacher. So in this point, morning shows the day. हम कैसे रिलीज कर रहे हैं हम एक्सपीरियंस। Here I am. I'm a problem solver and I will solve the problem of the learner. I'm a great manager in the school. Okay, thank you. Together. What is health? 1, 2, 3. यह है ईटानगर, हमारा अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोग देख सकता है मेरा पीछे में जो सर लोग मैडम लोग बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। तो आज हम लोग का लास्ट डे है, जो 5 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो ईटानगर में हो रहा है, तो PPS का ऊपर में, तो वो जो है आज लास्ट डे है। इसलिए हम लोग ने आज जो है वेलीडिक्टोरी जो प्रोग्राम है उसको मनाया है। थोड़े पहले चीफ गेस्ट तो आया था, तो चीफ गेस्ट लोग फिर चला गया, तो हम लोग पीछे में हमने कुछ मस्ती किया ये गाना पे ना, तो कुछ यादगार रहने के लिए ना, तो हमने बहुत ही अच्छा से मस्ती किया है। तो ये एक ट्रेनिंग से हम लोग बहुत कुछ सीखा है, बहुत सर मैडम लोग का साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, तो इट वाज वेरी नाइस एंड वेरी गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम वेन अप। तो जो ऊपर में जो स्टेज पर अभी देख पा रहा है जो डांस कर रहे हैं, ये लोग जो है हम लोग का की रिसोर्स पर्सन है। इन लोग ने ही हम लोग को 5 दिन ट्रेनिंग दिया है, बहुत ही मस्ती कराया है, बहुत कुछ सीखने के लिए दिया है इन लोग ने, तो बहुत ही अच्छा की रिसोर्स पर्सन हम लोग को मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरा वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड लाइक भी कर देना।